हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसकी दो कॉर्ड है, एक ए बी है एक और सी डी है, दोनों ही लेंथ में इक्वल है और ये एक्स पॉइंट पर क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि दोनों कॉर्ड जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एक्स, इसको सर्कल के सेंटर से आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये हम पहले यहां पे इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो अभी आपको यहाँ प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। मतलब हमें यहाँ पे ये प्रूव करके बताना है कि ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। तो हम इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल हम 2 ले लेते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे तो कोई प्रूव करने का तरीका नहीं है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ये पता है कि अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अगर मैं यहाँ पे से इस सेंट इसको इस पॉइंट से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन जाएंगे और उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हमारे सी पी सी टी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ओ पॉइंट से आप ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, फिर दूसरा आपका ओ पॉइंट से सी डी पे एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ये आपका ना परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ भी आपका परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल हमने 4 लिया। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले हम गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं, फिर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो सी पी सी डी से एंगल 1 इक्वल टू हमारा एंगल 2 हो जाएगा। तो गिवन हमने राइट कर लिया कि लेट ए बी एंड सी डी बी द टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एक्स एंड ए बी इक्वल टू सी डी हमें यहाँ पे गिवन है। टू प्रूव द ओ एक्स मैक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ओ एक्स जो है वो इस कॉर्ड और इस कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना है। फिर कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी के और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी के हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। नाउ प्रूफ, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी के और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी के, तो एंगल 3 और एंगल 4 हमारे यहाँ 90 डिग्री है, इसकी हमें यहाँ जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम एक्स एंड ट्राइंगल ओ एन एक्स। तो अब यहाँ पे देखो पहले क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले जो हमने लिखा वही लिख लेते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बोथ आपके 90 डिग्री बट बाय कंस्ट्रक्शन से। ये आपको गिवन नहीं, हमने कंस्ट्रक्शन से किया। फिर ये कॉमन लाइन है जो रेड कलर की आपको यहाँ दिख रही है, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स हो गया कॉमन। फिर तीसरी बात यहाँ पे आपकी हो जाएगी, ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा। तो ये कहाँ से आया, तो ये अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है तो आपको इजीली समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि इक्वल ये दोनों कॉर्ड क्या है, लेंथ में इक्वल है। तो इक्वल अगर कॉर्ड सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है और वो लेंथ में इक्वल है, ये कॉर्ड भी अगर 3 सेंटीमीटर की, ये कॉर्ड भी अगर 3 सेंटीमीटर की है, तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होती है, सेम होती है। तो यही रीज़न है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स एंड वी नो दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इसी वजह से ये दोनों आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब कॉन्ग्रुएंसी आप यहाँ पे देखो, तो 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री जस्ट सामने ये हाइपोटेनस होती है और एक ये साइड हो गई, सेम यहाँ पे 90 डिग्री हाइपोटेनस और साइड। तो देयर फॉर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल ओ एम एक्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एन एक्स के। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सी पी सी टी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ट्राइंगल ओ एम एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन एक्स, देयर फॉर बाय
सी पी सी टी एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूफ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने इजीली सॉल्व कर लिया। कंस्ट्रक्शन आपको जब माइंड में आएगा, जब आपको इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के सारे स्टेटमेंट सारी थ्योरम अच्छे से लर्न होंगी, तभी आपको ये समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। बट मोस्टली क्वेश्चन आपके ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से प्रूव हो रहे हैं, चाहे वो एंगल इक्वल लेकर आना हो, चाहे साइड इक्वल लेकर आना हो। तो उन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले आपको ट्राइंगल बनाना भी पड़ेगा। तो वो ट्रायंगल कैसे बनेगा वही आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।